खरगोन जिले के बड़वा महेश्वर रोड रतनपुर फाटे पर स्थित ओम साई फ्यूल एंड फिलिंग पेट्रोल पंप पर 30 जून की रात्रि चार अज्ञात बदमाशों ने गोली चलाकर 50,000 रुपये की लूट करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों से एक पिस्टल और एक बाइक बरामद भी की है। सोमवार को बड़वा पुलिस थाने पर मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव ने बताया कि 30 जून की रात्रि में पेट्रोल पंप पर चार अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली चलाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें फरियादी जितेंद्र पटेल को हाथ पैर में चोट आई थी, जिसकी रिपोर्ट पर बड़वा पुलिस थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया था। प्रकरण में घटना दिनांक से ही अलग अलग टीमों द्वारा घटना स्थल पर आरोपियों के पहुँचने व बाद के संभावित रास्तों की 200 सीसीटीवी फुटेज निकाली गई, जिसके आधार पर आरोपियों के भागने के रास्तों को पता किया, जिसमें आरोपी कई जगह सीसीटीवी फुटेज में नजर आए। इसके साथ ही घटना में उपयोग की गई बाइक होंडा लीवो के संबंध में 2000 मोटरसाइकिलों के संबंध में जानकारी मिली, जिसमें 23 वर्षीय गोलू पिता हुकुम सिंह बेलदार निवासी काटकुट फाटा बढ़वा, 23 वर्षीय रोहित पिता प्रकाश वर्मा, 25 वर्षीय सोनू कदम पिता कमल कदम दोनों निवासी मूसाखेड़ी इंदौर को गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। आज भी कह सकते हैं खरगोन में कोई बदमाश आएगा तो कैमरे की किसी न किसी पकड़ में आएगा। कैमरे खराब होते रहते हैं, सुधरते रहते हैं। कैमरों का रहना ही अपने आप में बहुत बड़ा डिफरेंट है। गलियों में जो नुक्कड़ थे, जो अड्डे बन गए थे पान की दुकानों पर, वहाँ लड़के अब नहीं बैठे। अब मोटरसाइकिल फड़फड़ाते हुए कॉलोनियों में नहीं घूमते। कैमरे का लगाया जाना तो एक पूरे बढ़वा का अभियान होना चाहिए। इसमें सामाजिक संस्थाओं को, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को, होटलों के प्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए। मोहल्ले कंपटीशन कराना चाहिए। हर बाजार का एक बाजार का कंपटीशन दूसरे बाजार से होना चाहिए। हमारे पास 100 कैमरे लगा लिए, हमने 150 लगा लिए। क्योंकि घटना यदि एक बड़ी घटना घटेगी तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती। कर्मचारी घायल भी हुआ था। ये बड़ी चुनौतीपूर्ण और गंभीर घटना थी। इस पर हमने एक विशेष टीम जो भी बढ़वा के रहते बनाई, पूरी टीम को कामयाबी मिली है। इस घटना में जो चार आरोपी शामिल थे, उनमें से तीन आरोपी मूसाखेड़ी इंदौर के रहने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है। उनसे प्राइमरी पूछताछ भी ज्ञात हुआ है कि उनका एक साथी जो काठपुर क्षेत्र का रहने वाला था, उससे मिलकर योजना बनाई थी। घटना से पहले रैकी भी की गई और रैकी करने के बाद इसके द्वारा लूट की घटना की गई। इस घटना में तीन आरोपी अरेस्ट हो गए, चौथा आरोपी एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटलाइज है, उसकी गिरफ्तारी बाद में की जाएगी। घटना में जो मोटरसाइकिल यूज हुई थी और जो पिस्टल से फायर किए गए थे वो जब्त किए गए हैं। इन बदमाशों की हम लोग रिमांड ले रहे हैं। इनके द्वारा किस प्रकार से प्लान किया गया या इनकी अन्य केसों में कोई संलिप्तता है कि नहीं है, ये सारे एंगल्स पे जांच की जाएगी। इसके अलावा जो बड़वा क्षेत्र में और भी जो इस प्रकार की घटनाएं हुई है उनके संबंधित मुद्दा चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।